सर मंत्री जी ये फोटो कर लेना धन्यवाद। अम्बाला के निवासियों को, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री असीम गोयल जी और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी और सभी विभागों ने, जो अलग अलग चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का, लगभग 23 आइटमें ऐसी थी उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है। राहगिरी कार्यक्रम में क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है, आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके, जो स्टॉल लगाए गए हैं युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम, चाहे रस्साकसी की है, फुटबॉल की है या जूडो कराटे की है या पौधारोपण की है, पौधे वितरित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उन्होंने 5 जून को जो आह्वान किया एक पेड़ माँ के नाम, हमने भी कल उसका हरियाणा में शुभारंभ किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ पौधे हरियाणा के अंदर लगेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ के करीब पौधे लगाए हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु पोल्यूशन और जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम सब ये संकल्प लें कि हम, चाहे बच्चे का बर्थडे है, चाहे परिवार में कोई सुगन का कार्यक्रम है या बड़े बुजुर्ग का दिवस है, हम संकल्प लेकर के जो एक योजना चली है कि एक पेड़ माँ के नाम, हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हमने इसके अंदर और भी हरियाणा के अंदर हमने लगभग 50,000 वन मित्र हम इसके अंदर रख रहे हैं और उन वन मित्रों को जो वो पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगाने के लिए और उसकी परवरिश करने के लिए उसको 20 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अलग से पौधा लगाता है और पौधा लगा करके हमारे वन मित्र को सौंपता है जो उसकी परवरिश करेगा, तो उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हम पौधा उस वन मित्र को देंगे जो उसकी परवरिश करेगा। और हम सब ये संकल्प लें, चाहे फलदार पौधा लगाएं, छायादार लगाएं, ये वर्षा ऋतु का मौसम है, इस मौसम के अंदर हम बढ़ चढ़ करके, ताकि इस वातावरण दूषित जो हुआ है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कम किया जा सके। हम देखते हैं जब हम हिमाचल के अंदर जाते हैं, वहां पर इतने पौधे लगे होते हैं कि वहां पर एसी की आवश्यकता नहीं होती, मौसम ठंडा रहता है और जहां जहां पौधे कम होते चले जाते हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन को हम स्वस्थ और अपने जीवन को हम सुरक्षित करें, पौधे लगाएं। और यहाँ पर राहगिरी के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन वो बच्चों के द्वारा भी किया गया, चाहे वो गतका के हमारे युवा साथी थे और चाहे तीरंदाजी के द्वारा, फुटबॉल के द्वारा, 23 इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे थे। इसका युवाओं के अंदर भी एक क्रेज होता है, वो देखते हैं, देख करके इस तरफ बढ़ते हैं, उनको एक मंच मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। मैं सभी अम्बाला वासियों को
आज इस ऐतिहासिक भूमि जहां पर 8 जून 1857 को जो स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अगर कहीं उठी थी तो इसी पवित्र भूमि के ऊपर उठी थी। मैं उन सब जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने आप को कुर्बान इस भूमि के ऊपर किया, अपने लहू को इस भूमि को दे करके उन्होंने हमें जो आजादी दिलाई उनको भी मैं नमन करता हूं। सभी अंबाला वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।